का। हम जनाब इस वक्त खड़े हैं यासिर भट्ट साहब दुबई वाले, इनकी छत पे आपको शौक करवाने लगे थे। अजानें हो गई, अजानों का टाइम हो गया, नमाज का टाइम था, नमाज वगैरह पढ़ के अब फ्री हो गए हैं और अब आपको कराएंगे सबसे पहले शौक कबूतरों का। जरा कुछ पहले जरा देखने वाले आ जाएं तो फिर शुरू करते हैं जी। आप जाएं जरा व्यू करवा जाएं ऊपर से, वो कुदेगा कुदे के अंदर। अच्छा सर जरा व्यू कराए। ले जी आपको अब शौक करवाते हैं कबूतरों का सबसे पहले, उसके बाद आप अपने अपने कोई सवालात हैं तो आप जनाब कमेंट में करें, वो सवाल भी इनके सामने रखेंगे और जो भी इनके तजर्बे के मुताबिक जवाब आप मिलेगा वो भी आप तक पहुंचाएंगे। जी यासिर भाई शौक करवाएं जरा। सर आ गया सर, पहले आओ बाहर आओ। कैमरे को आपने वर्टिकल रखा, समझ आ गई कैसे? हाँ ये अच्छा जी। आपको पेयर्स हैं यहाँ पे, जहाँ पे आपके इस वक्त हम जहाँ शौक करवाने लगे आपको पेयर्स का शौक करवाएंगे। ये जी लाला जी, इनकी छत पे हम आपको शौक करवा भी चुके हैं बाजियों में। यहाँ पे ये सारे ये लाला जी हो गए, यासिर भट्ट साहब हो गए, कैसर साहब हो गए, कैसर सलीम, ये सारे जो है इकट्ठा ही शौक करते हैं। और इस वक्त हम जनाब आपको मेरा ख्याल टैडी शायद दिखाने लगे हैं, ऐसे ही है जी। अच्छा अब लाला जी आप इधर आ जाए, पता क्या सूरज इस तरफ हो गया तो रोशनी इधर इधर की तरफ पड़ेगी। बैठे जी तशरीफ रखे। अच्छा लाला जी ऐसा है कि आपने पहले जो भी कबूतर दिखाने लगे उसके बारे में हमें कुछ ब्रीफ करना है, बताना है उसके बारे में। टैडी कबूतर है, थोड़ा सा ऊंचा टैडी कबूतर है ये जी, माशाल्लाह अच्छा रिजल्ट आ रहा है, टैडी सलारा कबूतर है। ले जी सलारा टैडी आपको दिखाने लगे जिसका रिजल्ट लाला जी के पास बड़ा अच्छा आ रहा है। कैसर भाई की तरफ से आया हुआ, कैसर भाई की तरफ से आया जी ये, इधर मेरी तरफ कीजिएगा यहाँ पे, ये गुड। हाँ तो व्यू बड़ा अच्छा देते हैं। जी पर दिखाईगा जी। अच्छा जी आपने तनवीर भाई फ्री होके ना लाइट ले आने, वाकई जी बहुत अच्छा सिम चल रहा है, नहीं कबूतर वाकई में बहुत अच्छा माशाल्लाह। दूसरा पर देखिए यहाँ पे रखिए, ये इसका कद भी बहुत प्यारा माशाल्लाह, इसका कद जो है ना बड़ा मुनासिब कद है, ओरिजिनल टैडी वाला कद है, और कहने लगे गिठता नहीं तो टैडी नहीं। वाह माशाल्लाह बहुत है जी। नज़ीर अली साहब कह रहे हैं जी माशाल्लाह, नज़ीर अली साहब कह रहे हैं नाइस, बहुत शुक्रिया जी। पिजन लवर्स वेरी पुअर वीडियो क्वालिटी जी, बाकी भी बताएं जी वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है, मे बी क्योंकि अगर ज़्यादा ये आ गए कमेंट के जी क्वालिटी सही नहीं है, क्योंकि हमें दिखने में सही लग रही है। आप देखने वाले ज़रा बताएं क्वालिटी ठीक आ रही है वीडियो क्वालिटी, अगर मतलब ज़्यादा बंदों का क्वालिटी ठीक नहीं आ रही तो इट मीन्स कि हमारे नेट में प्रॉब्लम आ रही है, और अगर सिर्फ एक आधे बंदे की आ रही तो फिर इसका मतलब है कि आपके नेट में प्रॉब्लम आ रही है। अब देखते हैं जी कमेंट में ज़रूर बताइएगा जी। टीपू टीवी वाले कह रहे हैं जी उस्ताद
गुल्ली का इंटरव्यू करो भाई। बजर उस्ताद गुल्ली साहब से कोई रब्ता हमारा अभी तक तो नहीं है, रब्ता होगा जरूर चलेंगे। अच्छा जी, शान भट्टी साहब सर गुड, थैंक यू जी। नज़ीर अली ओके जी, बताएं इसके बारे में हमें कुछ। ये भी टैडी कबूतर है। अच्छा, ये भी टैडी कबूतर वहाँ दिखा रहे हैं, तो इसका क्या रिजल्ट है आपके पास आ रहे हैं फिलहाल? अच्छा रिजल्ट आ रहा है, ऑलमोस्ट जो है ना तो अच्छा रिजल्ट आ रहा है। इसके बच्चे की क्या रिजल्ट है, कितने बजे तक उड़े आपको? आम रूटीन में जो है ना एक दो बजे बैठे बच्चे, आम रूटीन में बैठे एक दो बजे, फिर तो बड़ा अच्छा टाइम। अगर मतलब देखें जी, जब हम मोर लगवाते हैं तो ऑब्वियसली उसे उन्हें हल्का फुल्का छेड़ते हैं, वो तो गेम का हिस्सा। तो बगैर छेड़े अगर एक दो बजे बच्चे बैठ रहे हैं तो फिर तो बड़ा अच्छा टाइम। आए जी आपको एक और टैडी सलारा दिखा लगे जी, छापदार जी, बस आँख मेरी तरफ कर दिया करें। ले जी लाइट ले ज़रा लाइट, मेरी तरफ आँख करो, नहीं वो ही पकड़ो, ओहो नहीं वो ही लेकिन इसी आँख में हाँ तो आपने सही रखा हुआ, आँख बस चोंच में ही तक घुमाया करो ये चीज़ बिल्कुल जी। अब ऊपर लाए जी लाइट यहाँ पे, बहुत जी पर दिखाइएगा जी, यार इसके पर भी बड़े कमाल, बहुत आला पर, स्टार्ट से लेके बहुत अच्छा पल्ला है। अच्छा जब हम बैक करते हैं ना फोन को कैमरे को तब भी हम दिखा रहे होते हैं, बैक करके हमें पूरा पल्ला लेकर आना होता है तस्वीर के अंदर, उसके बाद पूरा पल्ला दिखा के फिर हम दूसरे पर पे आते हैं। रोके 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 यहाँ भी रखे ना, आपने यहाँ पे रखा, ये हमने आखिरी पर रोके, उसके बाद बैक किया, बैक करके ये पूरा पल्ला इधर देखे आ रहा, बीच में ये पर पूरा दिखाया और यहाँ पर एंड करना है जी। अब आ जाइए पल्ला। अच्छा ये कबूतर देखने माशाल्लाह ये भी बड़ा अच्छा है जी, बाकी रिजल्ट लाला जी ने बताया है, रिजल्ट भी बड़ा अच्छा आ रहा है इसका। एक और टैडी कबूतर आपको दिखा रहे हैं जी इस वक्त स्क्रीन पे, और माशाल्लाह खूबसूरत भी बहुत है, अच्छा होने के साथ साथ खूबसूरत भी है माशाल्लाह। शान भट्टी साहब कह रहे हैं जी गुड वीडियो क्वालिटी भजन, फिर नज़ीर साहब फिर इट मीन्स के आपके नेट में कोई इशू आ रहा है भजन अपना, सॉरी पिजन लवर आपके कोई नेट में इशू आ रहा है भजन जी। सर ये भी टैडी कबूतर है, थोड़ा सा ऊंचा बोलने, ये भी टैडी कबूतर है, ये दो नंबर वाले के नाम से मशहूर है, दो नंबर का इसका भी बेटा इस दफा बाजी में आया, इस दफा जो बाजी में बाजी में था, क्या टाइम क्या रहा था उसका? मैं 4 बजे तक आता गेट में। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये रिजल्टेड कबूतर आपको दिखाने लगे हैं, इनके दो नंबर टैडी जो है, मतलब दो नंबर टैडी से मुराद ये नहीं कि दो नंबर टैडी, मकसद है कि नंबर इन्होंने कड़ी नंबर दो, कड़ी नंबर चोंच घुमाने के लिए, चोंच को लेकर बस यहाँ पर जी पर दिखाई दे। अच्छा नाज़रीन आपको बताते चले, हमारा दूसरा चैनल पिजन सेलिंग प्लेटफॉर्म बाय फैसल मीर, उसे सब्सक्राइब करें अगर आप अच्छे कबूतरों की तलाश में हैं, आप ख़रीदने में इंटरेस्ट लेते हैं जी, दूसरा पर दिखाएगा, ख़रीदने में इंटरेस्टेड है तो वहाँ पे बेचने से रिलेटेड जितने कबूतर सेल वाले कबूतर जो होंगे वो सारे उस पर आएंगे। इस चैनल पे आपको सिर्फ शौक़ की बात होगी, इस पर सिर्फ शौक़ के लिहाज से बात होगी, कबूतरों को शौक़ कराया जाएगा, आपके सवाल आपके जिन में जो भी हैं उनके जवाब के लिए जाएंगे। माशाल्लाह ये भी बड़ा अच्छा कबूतर जी, माशाल्लाह बहुत अच्छा, थैंक यू। यहाँ पे जनाब आपको सिर्फ शौक की बात होगी, सेलिंग से अगर आप ख़रीदने में इंटरेस्टेड है तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब करें, इंशाल्लाह ताला आगे चल के हम कोई बहुत एंटीक पीस जब आया करेगा तब हम उसकी ऑक्शन भी करवाया करेंगे, नीलामी भी होगी उसमें, नीलामी इसलिए करवाई जाएगी ताकि हर बंदा उसमें हिस्सा ले सके, हर बंदे को मौका मिल सके उसे ख़रीदने का जी। ये 15 ब्रीड है हमारी, ये भी टैडी की ब्रीड है, 15 नंबर जी। ले जी 15 नंबर टैडी दिखाने लगे जी, ये भी इनके 15 नंबर ब्रीड टैडी है जो आपको अभी शॉप करवा रहे हैं, ये मादा लग रही है, इकट्ठा होगा हेलो जी दिखाई, दूसरे तक ही पहले जाते थे दूसरे तक, यार वैसे ना लाला जी
बहुत आउट क्लास प्रभाव है इसके, अगर आप उड़ाते हैं ना तो ये बड़ा अच्छा नाम कर रहा होता है आगे। मे भी आप इसके बहन भाई उड़ा रहे हो, इसका बेटा उड़ा रहा है। अच्छा बेटा उड़ा, बड़ी अच्छी प्रभाव है इसके पास। तो माशाल्लाह के 5-7 भाई हैं, हाँ पर जल्दी बंद कर देते हैं। ये पनीर दिखाई आपको, मैं दिखा भी सकता हूँ। बहुत शुक्रिया वसीम अहमद कह रहे जी माशाल्लाह कबूतर बाग इन मलिक, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। जज़ाकअल्लाह जी, जज़ाकअल्लाह, बहुत शुक्रिया। अच्छा इसी की माता दिखाने लगे नहीं जी आपको, जो अभी पट्ठा दिखाया गया टैडी 15 नंबर उसकी माता दिखा रही है, कौन सी है जी आपकी? ये भी टैडी है, दो नंबर ब्रीड वाले में से ले जी। दो नंबर ब्रीड जो है कैसर भाई की तरफ से। अच्छा ये कैसर भाई की तरफ से है ले जी। आए जी कैसर भाई के घर की माता दिखाने लगे आपको, जो कि 15 नंबर पट्ठे के साथ लगाई गई है और बहुत अच्छे पर के साथ है, बड़े ही अच्छा पल्ला है जी इसका भी माशाल्लाह। ओके सोने पे सुहागा, दोनों एक से एक बढ़ के हैं माशाल्लाह। दिखाई गई दूसरा पर दिखेगा, नर वाकई में बहुत अच्छा है लेकिन माता बहुत आउट क्लास है। बाकी अपनी अपनी पसंद है, आपकी अपनी पसंद है, मेरी अपनी पसंद है, मेरी अपनी पहचान है, आपकी अपनी पहचान है, उस पर आप क्रिटिसाइज करना चाहें, आपको ना पसंद है वो एक अलग चीज़ है, लेकिन बार मुझे ज़ाती तौर पर बड़ी पसंद आई जी। जी आग दिखाइएगा जी, अगर मुझे कोई चीज़ पसंद ना आए तो मैं मेरी आदत है मैं बुराई नहीं करूँगा लेकिन उसकी इतनी उठा के अच्छाई भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरी कोशिश होती है मैं मिस गाइड ना करूँ। अगर एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आई और उसे मैं अच्छा कहना शुरू कर दूं तो वो फिर मिसगाइड करने वाली बात है, आपको ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाली बात है। तो इसलिए मैं अगर मुझे चीज़ कोई समझ ना आए, मेरी अकल से बाहर हो, मे भी वो छत वाला की अच्छी चीज़ हो लेकिन मेरी समझ में नहीं आई तो मैं उसकी तारीफ़ नहीं करूँगा कम से कम जी। पंद्रह नंबर ले जी, 15 नंबर पट्ठा एक और आ गया जी टैडी, आपको शौक रहा लगता है ज़्यादा टैडी रखे हुए लाला जी ने। यरकानी आग हो गए भाई जी, पर दिखाएगा जी दूसरा पर दिखाएगा। चलो अच्छा छोड़ो पर दिखाएगा भाई, हेलो जी पंज दिखाई जी। नहीं जी एक और टैडी आपको दिखाया है, अब देखते हैं जी आगे, मेरा ख्याल लाल आंख के बाद लाल आंख। अच्छा इसके बाद लाल आंख जाफर इकबाल साहब कह रहे जी माशाल्लाह वेरी गुड। नहीं जी कैसर भाई के घर का एक और पटा, कैसर भाई एक्चुअली खुदे में है जी तो वो अपने ही दिखाई जा रहे हो, कह रहे मैं अपने तो दिखावा ना पहले कि भाई मेरे बड़े चंगे ने। नहीं जी मान लिया जी हमने, बाकी में अच्छे हैं इसमें कोई शक नहीं है। चंगा नर कट के ले आए, आँख तो बता रही है कि बहुत अच्छा कबूतर है पर देखते हैं जी पर दिखाईगा। नहीं जी पल्ला भी बहुत अच्छा, पल्ला भी बहुत अच्छा। बहुत जी पंज जीवन का दिखेगा माशाल्लाह। नहीं वाकई में जी अच्छा कबूतर निकाल के लाए हैं, अगर उनके घर का तो छांट के लेकर आए हैं जी। लाल आँख आ गई क्या जी, कौन सी ब्रीड है जी आपकी? ये गोल्डन ब्रीड है, गोल्डन कबूतर दिखाने लगे जी आपको, गोल्डन नर दिखा रहे हैं जी आपको। अभी बजरंग के बारे में कुछ बताइए कभी क्या इसकी? ये एक नंबर के नाम से है, हाँ माशाल्लाह अच्छा डोलते हैं। लाइट इधर से लाए आप, वहीं रखे जी आँख, यहीं रखिएगा
जी पर दिखेगा माशाल्लाह पर के तो बादशाह जी आपके कबूतर माशाल्लाह कोई भी टैडी भी और ये गोल्डन भी माशाल्लाह जी कुछ बन गया गोल्डन मुझे बहरहाल ज़ाती तौर पे चौड़े कुंदे में ही पसंद है और ये चौड़ा कुंदा ही है जी आप अपना क्या पास बहुत आला अल्लाह पाक ने मेरी बस हो गया बहुत शुक्रिया जी बस अभी कमेंट्स की तरफ आते हैं जी अब एक बार शॉप कंप्लीट कर लें उसके बाद कमेंट्स की तरफ हम आते हैं आपके अब सबके कमेंट्स को देखा भी जाएगा और पढ़ा भी जाएगा वाह जी वाह बड़ा नायाब कबूतर लेकर आए हैं जी ज़रा बताइएगा इसके बारे में हमें ये हमारा कमकर कबूतर है एक नंबर ये वो गोल्डन एक नंबर है ये कमकर एक सही नहीं जी एक नंबर जोड़ा वो कमकर कबूतर आपको दिखाने लगे हैं जी दिखाई पर दिखा पहले हम वैसे पर ही दिखाते हैं आँख हम ना बाद में दिखाते हैं क्योंकि देखने में पहला नंबर जो होता है पर है उसके बाद आँख और फिर हम पर दिखते हैं पुराना कबूतर है जी इसका वजह ये पीछे रात रह गया है जी आँख दिखाइएगा ऊपर कर गए या नहीं थोड़ा सा ठीक है जी अच्छा हम आप थोड़ा सा सीढ़ी इधर नहीं कर लेते क्योंकि नीचे एसी चल गया है और मेरे वाल पुठा लग गया इसी हाँ जी कमगर कलदुम्बों के नाम नहीं जी कमगर कबूतर जो कि इनके कलदुम्बों के नाम से मशहूर है कालदुम्बे मशहूर है इनके ये मादा है नारा जी नहीं जी एक और पठा आया जी नारा आया पठा नहीं कबूतर ही है नहीं जी ये मुझे बड़ा पसंद आया इसमें एक क्वालिटी मुझे बड़ी सामने नज़र आ रही है और बड़ी अच्छी क्वालिटी है ये भी पिछले दिनों उस क्वालिटी के बारे में एक हफ्ते किसी ने बात भी की थी और सही दुरुस्त कहा था उन्होंने दुम छोटा साइज होना दुम का छोटा होना लंबाई यानी कि कम होना ये लंबाई कम होना ये अच्छी क्वालिटी है और इसकी ये क्वालिटी है इसमें जी दूसरा पर दिखाईगा अभी पिछले दिनों किसी छत पे बात भी की थी वो छत मालिक ने भी ये बात की तो सही कही थी तो मुझे अब याद नहीं आ रहा किस छत पे ये बात हुई अभी पिछले दिनों ही अपन शायद आमिर भाई के आमिर भाई ने मेरा ख्याल ये बात की थी और मेरे तजर्बे के मुताबिक भी उन्होंने सही कहा है मेरा भी तजर्बा यही है कि दुम छोटी हो तो ज़्यादा बेहतर जी पंजे दिखा हाँ जी दिखाते हैं मुझे पता आपने लाइट नहीं अभी चलाई जी आ जाए जी आपकी दवा सामने से अपन तक दिखा दी माशाल्लाह बहुत अच्छा बहुत शुक्रिया जी ये भी उसी कलदुमों में से है इसका एक भाई कैसर भाई की तरफ है मेरा ख्याल है हमने दिखाया भी है दिखा चुके हैं इसका भाई जो ले जी ये कैसर भाई के घर की ब्रीड नहीं है लेकिन कैसर भाई के घर गई हुई है ये मेरी जो हम दिखाने लगे बड़ा अच्छा पर है जी बड़े चौड़े पर के साथ है ये कितने नंबर जी ये 10 नंबर जी 10 नंबर लाला जी के घर का 10 नंबर लाला जी के घर का कह लें या सिर भट्ट साहब के घर का कह दें ये 10 नंबर ब्रीड आपको दिखाई जा रही है या सिर भट्ट साहब दुबई वाले और लाला जी ये दोनों कज़न हैं
आपस में कदर नहीं आ रहा जी, मैं गलत तो नहीं रिश्ता बना दिया चाहिए। थोड़ी पीछे करना लाइट यहाँ जी, माशा बहुत शुक्रिया जी। ये भी जो कैसर की तरफ देखा ना फैसल भाई, वो सेम ये काफी है। इसका बेटा भी इस गेट में दावत, इसका भी बच्चा उड़ा है गेट में। सही ले जी, इसका बच्चा भी जेट में इस दफा बाजी में आ चुका है। आपको एक और कल्दुमा दिखाने लगे। जी तो सफर दिखाई जी, लाल दिखाएगा एक और पकड़ लेगा। माशाल्लाह जी, पंजे दिखाइए सामने से। बहुत जाफर इकबाल साहब माशाल्लाह वेरी गुड जी। कबूतर बाज मालिक मालिक नाइस। शहजाद डोगर साहब कह रहे हैं जी वेरी नाइस। शहजाद डोगर साहब कह रहे हैं गुड। जी ये भी कल्दुमा का बट्ठा 6 नंबर ले जी, 6 नंबर कल्दुमे इनके आ गए जी। बड़ा देखने में हसीन है और आपको मजा आएगा देखने का, कबूतर है ही बहुत अच्छा, बहुत आला है सर, पता ही चल रहा है। 10 बजे जी दूसरा पर दिखाएगा कि मैंने देखा है वैसे ऑफ द रिकॉर्ड, वही तो नहीं जिसके बारे में मैंने कहा था कि जी ये बहुत अच्छा कबूतर है, पकड़ के मैंने कहा था देखे बगैर, वही है ना। नहीं जी बहुत अच्छा कबूतर है, इसमें कोई शक नहीं, मैंने देखा भी है, वाकई में बहुत अच्छा जी। आंख दिखाएगा कबूतर वो है जो हाथ में आए देखे बगैर पता चले कि जी ये कबूतर अच्छा है। ये ज़रा दूर करें लाइट को, लाइट को और थोड़ा दूर करें, यहाँ पे रखें। और इस कबूतर को मैंने ऑफ द रिकॉर्ड से देखा था और हम देखने से बुलाया था, अभी पकड़ा था इसे और देखे बगैर मैंने कहा था जी ये बहुत अच्छा कबूतर है। और अल्लाह का शुक्र है कि इन्होंने भी तायद कर दी आगे से कि जी इसके बच्चों के रिकॉर्ड रिज़ल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं हमारे पास। तो बहरहाल बात वही कि इंसान क्या मतलब वो अपने नॉलेज के मुताबिक एक अंदाज़ा लगा रहा होता है, लेकिन असल बात जो है वो छत मालिक ही जानता है। तो जब छत मालिक आपकी बात की तायीद करते तो आपको खुशी होती है कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह पाक ने ये इतनी समझ यहाँ तक पहुँचा दी है। तो ये अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। कभी अपने को हरफे आखिर ना समझें, कभी ये ना समझें कि जी मुझे ये आ गया, मुझे ये नहीं आ गया, मुझे रब ने बता दिया, ये रब ने यहाँ तक पहुँचा दिया, ये बात अच्छी है। ये कहना कि मुझे ये पता है, ये चीज़ इंसान को ले डूबती है जी। ये इलाके को बूटा है इलाके में से। अच्छा ये मैंने पकड़ के नहीं देखे थे, मैं दूर से देख रहा था, मुझे ज़ाती तौर पर देखने में बड़े पसंद आए थे। अब आपको भी शौक करवाते हैं, खुद भी मैं शौक करता हूँ जी। हाँ जी ये कौन से इलाके हैं जी? ये खुद ये कमगरों में से निकले। अच्छा कमगरों में से, अच्छा कमगरों में से कुल्दों में है ना जी जी, इन्हीं में से निकले। फिर तो बहुत आउट क्लास इनके रिजल्ट होने चाहिए। बड़े जो होते हैं सारे उधर हैं, दूसरे बड़ी सही दूसरा पर दिखाएगा। अगर ये कमकरों में से है ना तो फिर इनके रिजल्ट बहुत आउट क्लास होने चाहिए। माशाल्लाह है तो कमकरों में से लाखे जो निकलते हैं वो तो जिनके घर के हैं वो नहीं उड़ाते जी, स्लेटे भी दिखाएंगे। वो स्लेटों का भी लाखे भजन वो इधर कीजिएगा चौंस मिल करो, लाखे वो उड़ाए बगैर चेक किए बगैर रोक लेते हैं। पंजे दिखाइए
जी बनकर दिखाई दे। जी बहुत शुक्रिया जी। फयाज बशीर साहब कह रहे लाहौर है तो फिर टैडी भी होंगे जी। सबसे पहले टैडियों का ही शौक करवाया है, कोई चार पांच जो कबूतर हैं वो पहले टैडी ही दिखाए गए हैं। जी लाला जी ले जी, कैसर भाई के घर के जाक कबूतर आ गए जी। नहीं जी भाई, कर्से के बाद जाक कबूतर, और शायद कि मेरे चैनल पे पहली दफ़ा जाक कबूतर दिखाया जा रहा है। नहीं, पहले दिखा चुके हम, वो साजिद भट्ट साहब के बड़े भाई जो हैं मलंगी साहब, मलंगी भट्ट साहब, उन्हीं के घर के हैं। हाँ, उनके घर के शौक करवा चुके हैं पूरे का। अरा क्या बात, खावर मलंगी, खावर मलंगी, खावर मलंगी। ये जी खावर मलंगी साहब, साजिद भट्ट साहब के बड़े भाई खावर मलंगी साहब, उनके घर की ब्रीड है। और कैसर भाई की ताबुन से यहाँ पे भी मौजूद है। ऐसी है जी, जी बिल्कुल मुजाफ़ हूँ। अच्छा जी, अच्छा बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा आ जाए जी, बैठे जी, आप बैठे किसी वक्त, आपसे भी कुछ सवाल आप एक दो करेंगे दुबई के हवाले से, मुश्किल ना होता। आप समझने साथ शौक कर रहे हैं, उनके अंडर बैठ के शौक कर रहे हैं, तो खास कबूतरबाजी की नसीहत जो आपको उन्होंने की? उन्होंने सिर्फ एक ही बात समझाई है कि इज्जत करो, और इससे बड़ी मेरे ख्याल से आपके किसी और बात की वो नहीं है। तो जिसकी तरफ भी जा रहे हैं, छोटा है बड़ा कोई भी है, इज्जत से बातचीत करो, इज्जत दो। अगर आप इज्जत दे रहे हो तो अगला भी इज्जत ही लाजमी करेगा। कबूतरबान हर घर में अच्छे हैं, हर घर में अच्छे हैं, लेकिन इज्जत जो उनसी है वो ख़ानदानी बंदों के पास, और ख़ानदानी बंदे जो उनसे हैं वो इज़्ज़त देना भी जानते हैं और इज़्ज़त लेना भी जानते हैं। और बाबा जी में अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह ये क्वालिटी कि वो आएगी कि हर बंदे की इज्जत करते हैं, यही है। मैंने उन्हें लाइव ऑनलाइन जब भी देखा ना, मैंने कोई नजेबा अल्फाज नहीं सुना। नहीं सर, ऐसा नहीं, चीज़ मुझे अच्छी लगी। नहीं अच्छा, तो बिल्कुल ऐसा नहीं। मैंने नोट किया कि भी वो नजेबा अल्फाज कभी नहीं उनके, किसी ने क्रिटिसाइज भी किया ना, तो उन्होंने बड़े तहम्मुल से उसे जवाब। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा, ये चीज़ अच्छी है। हाँ जी हाँ, बहुत अच्छी। और मैं समझता हूँ कि उस्तादी मिलने के बाद एक तहम्मुल आना चाहिए, क्योंकि आपने सबको फेस करना है, आपने दुनिया को फेस करना है, आपने मुखालिफ पार्टी को फेस करना है, अपोजिशन को फेस करना है, अपनी पार्टी को आपने अपने ताबे रखना है, इसके लिए तहम्मुल मिजाजी बहुत जरूरी है। बारा जी कुछ शौक यहाँ पे बकाया आज मुझे लाला जी वाली साथी वहाँ पे हमने शौक करवाया था जी, जेठ में, जेठ की जब बाजी हो रही थी, एक बाजी हम उधर भी गए थे, कुछ पेयर इधर रखे हुए हैं, बकाया मेन जो पेयर है इनके वो उधर है, मेन उधर ही, मेन उधर ही, उनमें से आगे कोई जरूरत पड़ गई इधर आ गई, इधर पे उधर के दो जगह इस तरह रखे, इसलिए रखे ताकि अगर सुनाना करे उधर को प्रॉब्लम हो, यहां से उधर से। अच्छा यहां मेन जगह वो है, मेन जगह वो है, दूसरे नंबर पे ये है, तीसरा कैसर के जगह, मैं कैसर के जगह कैसर सुना, तो अल्हम्दुलिल्लाह मिल के साथ स्पोर्ट चल रहा है। अच्छी बात, तो मुझे जब टाइम मिलता है पाकिस्तान आने का फिर आके ये बाइक में या साजिद भट्ट साहब की तरफ चले जाते हैं, वो प्यार करते हैं कबूतरों से ज़्यादा, उनकी बातें सुनने के लिए चलते वहाँ पर बैठ के टाइम का पता नहीं चलता, नहीं जब भी जाए ना बैठ जाए टाइम का कब से भी पता नहीं चलता। सर ये पिछली बार हम नाश्ते पे गए हुए थे वहाँ पे, तो आप यकीन नहीं करेंगे, नाश्ता करने के बाद हम बाहर गर्मी में आधा पौना घंटा ठंडे पे बैठे हैं,
वो ऐसी बातें हंस हंस के हम थके व्हाट्सएप मौके दे बस जाने दे की कब से बात कर रहे हैं जी। बिल्कुल और कई दफा वो हमारे चैनल पे आ चुके हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, पर दोस्त नहीं, दोस्तों से बढ़ के है, भाइयों जैसा ताल्लुक है उनसे हमारा। बहरहाल जी, उम्मीद है जी आज का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा, कमेंट्स हम साथ साथ जवाब देते रहे आपको। हमारे दो चैनल जो है कबूतरबाजी से लेके को लेके दो चैनल हैं, एक पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन, इसको भी सब्सक्राइब करें जिन दोस्तों ने अभी तक नहीं किया, और दूसरा चैनल जो दोस्त खरीदने में इंटरेस्टेड रखते हैं, अच्छे कबूतरों की तलाश में है, वो हमारा दूसरा चैनल पिजन सेलिंग प्लेटफॉर्म, उसे सब्सक्राइब लाजमी करें, नोटिफिकेशन ऑन करें, ताकि जैसे ही हम लाइव आए आपको उसका पता चल सके कि हम लाइव आ रहे हैं और आप उसे शुरू से शो को देख सकें। इंशाल्लाह ताला आगे चल के जैसे जैसे लाइव की ऑप्शन हमारे पास ऑन हो जाएगी उस चैनल की, हम कहीं बहुत आउटस्टैंडिंग कबूतर देखेंगे तो हम उसको मौका देंगे कि सारों को मौका मिले उसे खरीदने का, उसे खरीद उसकी कीमत लगाने का, उसकी हम किराया करेंगे ऑक्शन, ऑक्शन में जो भी ज़्यादा दे दे कीमत वो ले जाए, नीलामी में जो होता है उसमें ये उससे ये फ़ायदा होगा कि सबको मौका मिलेगा, एटलीस्ट कोई ये नहीं कहेगा कि यार ओहो मैंने कॉल की तो बिक चुका था मुझे अफसोस हुआ, उसे अफसोस नहीं करना पड़ेगा, वो अपनी दिल की भड़ास पूरी निकाल सकेगा, वो अपनी ऑक्शन में अपनी कीमत अपनी जेब के मुताबिक वो कीमत लगा सकेगा। तो ऑक्शन भी इंशाल्लाह ताला उस चैनल पर करवाई जाएगी जल्दी इंशाल्लाह ताला, जहाँ पर हमें को बहुत आउटस्टैंडिंग मिलेगा कबूतर। टैडी अक्सर छतों पर देखने को मिलते हैं, मकमगर अक्सर छतों में, लेकिन कहीं ऐसा पीस टैडी का मिल जाता है या कमगर गोल्डन का ऐसा पीस मिल जाता है जो कि कई सालों बाद ये 90s का देखा हुआ होता है, अब आके मिलता है और वो फॉर सेल होता है, तो उसकी फिर ऑक्शन करवाई है। ऑक्शन का मकसद सिर्फ ये होगा, ये मकसद नहीं होगा कि जी उसकी कीमत बहुत ज़्यादा मिल जाए, इसलिए उसका मकसद ये होगा कि हर बंदा उसमें पार्टिसिपेट कर सके, हर बंदे को मौका मिल सके उसे ख़रीदने का, बाकी जिसकी किस्मत हो वो ले जाए। देखते रहिए जी पाकिस्तान पिजन एसोसिएशन चैनल और पिजन सेलिंग प्लेटफॉर्म बाय फैसल मीट, इंशाल्लाह ताला किसी और चैनल पे फिर मुलाकात होगी। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने होस्ट फैसल मीट को कैमरामैन राणा तमीज साहब के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।